देश में 2019 में हर दिन औसतन 86 रेप के मामले दर्ज हुए हैं और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ 4,05,461 मामले दर्ज किए गए, जो 2018 की तुलना में 7% से अधिक की बढ़ोतरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले साल से 7.3% बढ़े हैं। 2018 में प्रति लाख महिला जनसंख्या में अपराध दर 58.8% था, जो कि 2019 में बढ़कर 62% हो गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ 378,236 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 2018 में 33,356 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं पर होने वाले हमलों में अधिकांश मामलों में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 31% मामले दर्ज किए गए हैं। NCRB ने 2019 के डेटा के अनुसार 18% मामलों में महिलाओं के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चों के खिलाफ भी आपराधिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केवल महिलाएं ही नहीं, NCRB के आंकड़ों से पता चला है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2018 से 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराधों में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराध कुल 1,48,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 47% अपहरण के मामले थे और 35% मामले यौन अपराधों से संबंधित थे। NCRB केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। एजेंसी को देश भर में अपराध डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का काम सौंपा जाता है। एजेंसी ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 53 महानगरों के आंकड़ों का एनालिसिस करके ये 3 खंड की रिपोर्ट तैयार की है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी